क्या आपको पता है एक मक्खी का उम्र कितने दिन का होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक मक्खी का उम्र 15 से 20 दिन का होता है। क्या आपको पता है भारत में हीरो का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सूरत को भारत में हीरो का शहर कहा जाता है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है होमिंग बर्ड। क्या आपको पता है किस देश में हरा रंग का सूर्य दिखाई देता है? तो मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका महासागर में हरा रंग का सूर्य दिखाई देता है। क्या आपको पता है कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो मैं आपको बता दूं कि कुत्ता मेक्सिको देश का राष्ट्रीय पशु है। क्या आपको पता है साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि साइकिल को हिंदी में द्विचक वाहिनी कहा जाता है। क्या आपको पता है भारत का सबसे सस्ता शहर किस शहर को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे सस्ता शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। क्या आपको पता है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है मारखोर। क्या आपको पता है लंका नगरी किस पर्वत के शिखर पर मौजूद है? तो मैं आपको बता दूं कि लंका नगरी त्रिकुट पर्वत पर मौजूद है। क्या आपको पता है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है। क्या आपको पता है इंस्टाग्राम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 वर्ष में हुआ था। क्या आपको पता है किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि भूटान देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। क्या आपको पता है किस व्यक्ति ने माचिस का आविष्कार किया था? तो मैं आपको बता दूं कि जॉनी वॉकर नामक व्यक्ति ने मैच बॉक्स का आविष्कार किया था। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक किस फ्रॉग को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग नामक एक फ्रॉग को कहा जाता है। क्या आपको पता है ताजमहल की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो मैं आपको बता दूं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है।